मोदी जी थोड़ा हल्के हल्के चलाओ अपनी मशीन को, इस आरा मशीन को थोड़ा धीरे धीरे चलाओ ताकि अपना टाइम पास होता रहे, क्योंकि लकड़ियाँ खत्म होने वाली हैं। फिर पता नहीं लकड़ियाँ मिलती भी हैं या नहीं मिलती हैं, नहीं तो अमित शाह ऐसे में निकाल देंगे अपनों को नौकरी से भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे चलाओ आरा मशीन को थोड़ा, लकड़ियाँ ज़्यादा देर चलेंगी तो अपना नौकरी चलती रहेगी। राहुल तुम समझते नहीं हो बात को, अपना धीरे धीरे क्यों करेंगे? अरे किसी के यहाँ काम करने के लिए आए हैं, जिस हिसाब से वो आदमी पैसा देता है उस हिसाब से ही तो काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि काम उसी हिसाब से करो जिस हिसाब से आप अपना करते आए हैं पहले से। अरे ऊपर वाला और देगा काम, फिर कहीं मिलेगा काम करने के लिए। किसी के साथ में गद्दारी नहीं करना चाहिए, अगर किसी के पास काम करते हैं तो उसका काम अपनी ईमानदारी से करना चाहिए। अगर भगवान ऊपर वाला अगर चिड़िया को भेजता है चोंच बना के, तो इकट्ठा करके तो दाना रखती नहीं है, रोजाना कहीं ना कहीं से उसको चुनने को मिल ही जाता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि अपना काम उसी हिसाब से करो। अरे तुम सही कह रहे हो मोदी जी, अपना काम अपनी ईमानदारी से करना चाहिए। अब अमित शाह यहाँ पे तो हैं बैठे नहीं रहेंगे पूरे के पूरे अपना 8 घंटे, क्योंकि उनको भी दूसरा काम करना होता है। वो तो बस पैसे देते हैं और अपनी ईमानदारी पे अपना काम छोड़ देते हैं, इसलिए अपन को भी वही ईमानदारी पे काम करना चाहिए, किसी के साथ में गद्दारी नहीं करना चाहिए। पैसे देते हैं तो काम लेते हैं, इसलिए अपना अपनी ईमानदारी से काम करो। अरे केजरीवाल तुम भी मोदी जी की तरफ हो गए, अरे भाई जब तुम भी मोदी जी की तरफ हो गए तो हमको भी होना पड़ जाएगा मोदी जी की ही तरफ, क्योंकि दोनों लोग तुम एक साइड हो जाओगे, हम अकेले बचेंगे, इसलिए हम भी तुम्हारी साइड हो जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे कि हम केजरीवाल हम इस शाह को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम काम सही से नहीं करेंगे, हमारा पेमेंट नहीं बढ़ा रहे, और अब देख रहा हूँ कि तुम मोदी जी की साइड ले रहे हो। मेरे कहने का मतलब कि अमित शाह की काम की तरफ जा रहे हो, मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो। अरे राहुल अब तुम्हारी बहुत हो गई बकचोदी, अब अपने काम पे ध्यान दो, और अमित शाह जी भी आ रहे हैं, उनको पता ना लगना चाहिए कि अपने बीच में क्या बात हुई है, ठीक है? और भाई लोगों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।